हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिव जी की कृपा सब पे बने रही, सब पे, मुझ पे भी। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज है महाशिवरात्रि, मैं नहा चुकी हूँ और जा रही हूँ मंदिर में, क्योंकि सुबह मेरा भाई गया था मंदिर में, है बहुत भीड़। और ये जो नीचे आवाज़ आ रही है ना, मैं आपको दिखा देती हूँ ये कौन है। मैंने यहाँ पे गेट बंद कर रखा है, तो इसको बाहर जाना है क्योंकि पापा पूजा कर रहे हैं और ये उनको पूजा करने दे नहीं रहा। तो मैंने इसे अपने साथ यहाँ बालकनी में बंद करके रखा हुआ है। अभी मैं जाऊँगी तो इसको भी लेके जाऊँगी बाहर। तो मैं नहा चुकी हूँ, जा रही मंदिर में जल चढ़ाने। भाई गया था नीचे, तो उसने बताया बहुत भीड़ है और सावन पे और शिवरात्रि पे भीड़ होती ही है बहुत ज़्यादा। तो मैं नहा चुकी हूँ टाइम से, पहले मंदिर जाते हैं, जल चढ़ा कर आऊँगी, बेलपत्र चढ़ाऊँगी, फिर घर में आके पूजा करूँगी आराम से। यहाँ पे मेरी पूजा डन हो चुकी है, अच्छे से सब पूजा हो गई और अभी सबके लिए चाय बनाऊंगी। सबका ही फास्ट है तो अब जो भी खाना है वो रात में खाएंगे। अभी चाय बनेगी, उसके साथ आलू का हलवा मे भी। उसके बाद मैं जाऊंगी अपनी क्लास लेने के लिए, तो फटाफट आगे के काम करती हूँ। तो आज हमारे भोले बाबा की शादी है, महाशिवरात्रि है, तो अब हम कर रहे हैं रात के खाने की तैयारी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ सेंधा नमक वाली कढ़ी, जिसमें ये मेरे सिंपल पकौड़े निकल रहे हैं, आधे मैंने पहले डाल दिए थे। और यहाँ पे आलू गोभी कट चुकी है, आलू गोभी और उसमें मटर भी मिक्स करूँगी। तो दो सब्जी बनाने वाली हूँ, उसके बाद बनेगी सेवियाँ और गरम गरम पूड़ी। तो अभी स्टार्ट कर दी, आगे आगे फिर दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे कढ़ी बनकर रेडी हो चुकी है और देखो देखने में कितनी सुंदर लग रही है। उसके बाद यहाँ बन गई है हमारी साबूदाने की खीर, इसमें ऊपर से मैं गुड़ मिलाने वाली हूँ और उसके साथ यहाँ पे आलू गोभी मटर की सब्जी रेडी, सब डन। तो यहाँ हमारा खाना रेडी है, पूड़ी, कढ़ी, आलू गोभी मटर, साबूदाने की खीर वो भी गुड़ वाली, और आलू मूंगफली साबूदाना। इसमें बस पानी रखना और अभी लगेगा भोग। ले जाओ।
यहाँ पे लगाया भगवान जी को भोग, तो भगवान जी को भोग लग चुका है और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। बहुत से लोग मीठे का ही व्रत रखते हैं, मैंने स्टार्टिंग से सेंधा नमक वाला ही व्रत रखा है। मम्मी पापा वो मीठे का ही रखते हैं, तो उनके लिए साबूदाने की खीर बनी है। बाकी सब हम भाई बहन और मेरे कजन्स आए हुए हैं, तो हम पूरी सब्जी ही खाने वाले हैं। और मैं अब फटाफट, मुझसे वेट नहीं हो रहा, जल्दी से मैं ट्राई करने वाली हूँ। मस्त प्रसाद, तो बिना लहसुन प्याज का जो खाना बनता है ना प्रसाद में, बहुत। तो अब मैं इसे आराम से बैठ के खाने वाली हूँ। आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इस व्लॉग को बहुत सारा लाइक करना। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।